कैसे हैं आप? हम भी आ गए हैं गुजरात में। गुजरात में चुनाव है तो कुछ दिन हम भी ठहरेंगे गुजरात में। और गुजरात में किसी होटल में ठहरने के बदले दबाव था मेरे पास कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं अलग अलग शहरों में, उनने कहा कि आपको मेरे घर में ठहरना होगा। तो हमारे साथ गौरव जी हैं। गौरव जी हमसे सवाल, हमारे सबसे पुराने व्यूअर्स हैं। केमिकल का इनका बिजनेस है, लेकिन हमने हमेशा कहा है कि आप यदि कभी हमारे संपादक होते तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर में कर पाता। गौरव जी, गुजरात में जो चुनाव है, इस चुनाव को आपने एक एंगल मुझे दिया था, मुझे याद है कि जो मोदी जी गुजरात में आकर के हिंदी के बदले अब की बात गुजराती बोल रहे हैं, राइट? क्यों आपने ये आइडिया मुझे दिया, इसकी क्यों मायने आपको समझ में आए थे? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता है, ऐसा ऐसे आप समझिए अलग अलग पार्टियां जो कैनवासिंग के लिए आती है वो हिंदी में करती है, मगर कनेक्टिविटी बनाने के लिए मोदी जी ने और खुद गुजराती और गुजरातियों से कनेक्टिविटी इजीली हो जाती है, इसलिए उन्होंने गुजराती में कन्वे करना शुरू किया है। ये एंगल चूंकि मैंने देखा कि मोदी जी जब गुजरात आते थे, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो हिंदी में ही बोलते थे। मुझे लगता है पिछले चुनाव में भी कई जगह हिंदी बोलते थे, लेकिन अब की बार उन्होंने स्टैंड बदल दिया है। पिछले चुनाव नहीं, अभी लास्ट जो हमारे वहां चुनाव हुए 17 में, तब तक उन्होंने हिंदी में बताया है, मगर अभी पूरा का पूरा पूरा कैंपेन ओनली गुजराती में चल रहा है। दैट मीन्स ही इज कनेक्टिंग एंड टेलिंग पीपल के गुजरात इलेक्शन लड़ रहा है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, वो मेन मैसेज जा रहा है आजकल। मैंने आपको इसलिए बताया कि आमतौर पर गुजरात की जो छवि बनती है, मेरे बिहार और यूपी के जो रिपोर्टर्स आते हैं वो रिपोर्ट देकर बता रहे हैं कि वो मजा गुजरात में नहीं आ रहा है, गुजरातियों में वो पॉलिटिकल सेंस नहीं है। इसीलिए मैंने ये एंगल लिया है कि एक व्यापारी है, केमिकल व्यापारी है, और इन्होंने मुझे कहा कि एक फोन करके कि मनीष जी इस एंगल से देखा, तो हमने देखा कि मेरे किसी टेलीविजन संपादक ने इस एंगल को पकड़ा नहीं था। उनके भाई हैं, गौरव जी के भाई राजीव जी, वो यूएस से आए हैं स्पेशली वोटिंग करने के लिए, बताया जा रहा है अपने काम भी बहुत सारे निपटाएंगे। सर आप स्पेशली वोटिंग करने के लिए आए, और गुजरात में इस चुनाव के मायने आपको क्या लगता है? इस बार वो चुनाव बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहां मोदी जी ने ये देश को लाकर खड़ा कर दिया है, सो देयर इज ए बिग क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट। वो जो प्रश्न का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता, वो सारी हम आम जनता मिलके फिर से ये भारत माता का झंडा इतना गर्व से लहराएंगे, मोदी जी को इतना सपोर्ट करेंगे कि हमारा जो देश है वो विश्व भर में इतना चमकेगा, और इसके लिए हर एक आदमी, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री और बच्चे लोग का बच्चे लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक वोट कितना कीमती है। जहां भी हो आप हो, हमारे देश को कैसे विश्व में आगे लाए, जिससे दूसरे देश भी देखें कि जो प्रगति हो रही है वो कैसी होनी चाहिए। इट्स ए टाइम ऑफ इनोवेशन, इट्स ए टाइम ऑफ ए न्यू आइडिया, इट्स ए टाइम फॉर ह्यूमैनिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस आर जस्ट नॉट बीइंग, वी आर नथिंग बट अ पॉसिबिलिटी। And to achieve that possibility, it starts from a very, very simple thought and very, very simple process. आप जाके सही आदमी को वोट दो। आप सही आदमी को वोट दोगे तो ये देश बहुत आएगा, चाहे भारत देश हो, कोई भी देश हो। You must vote and do the right thing. For your children and for the future of this nation and planet Earth. I have to do it, so I'm here. देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, और मैंने इस सेंस को बदलने के लिए इसलिए कहा कि वोट के मायने क्या। अब तक ये था क्या कि आमतौर पर लोग वोटिंग से ये समझते थे कि मैं क्यों वोट दूंगा, मैं बड़ा आदमी हूं, झुग्गी झोपड़ी के लोग वोट देते हैं। पिछले कुछ सालों में स्टैंड बदला है, और जिस तरह से ये विशेष रूप से अमेरिका से आना हुआ वोटिंग करने के लिए, ये मैसेज दिखाता है दूसरों के लिए किसके मायने क्या है। और यहां मैं इसलिए बदल रहा हूं कि मैंने अपने दर्जन भर
बिहार यूपी के साथ ही जो दिल्ली में बड़े बड़े पद पे संपादक हैं गुजरात कवर करने आए, सोशल मीडिया पे डाला कि मैं भी आ गया हूँ गुजरात में, तो मैंने भी आ डाला कि मैं भी आ गया हूँ गुजरात में, लेकिन उनमें माहौल बना कि वो मजा नहीं है जो बिहार और यूपी के चुनाव में है। एंट्री करते मुझे वो मजा दिख गया है कि क्या मजा है, कितना क्या सेंस है। और मैं थोड़ा चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन जीत को कि थोड़ा वो घुमा दें कैमरे को। ये छोटे से कमरे में मुझे एक एक फ्लैट मुहैया कराया गया गौरव जी ने और कहा कि आपको किसी होटल में नहीं ठहरना है, तो मैं स्टेशन से बैग एंड बैगेज यहीं आया हूं। और इनके एक इन्होंने इनके पास एक जो खाली फ्लैट था जो किराए पे लगना था, लेकिन कहा कि नहीं अभी जब तक मनीष जी आएंगे तब तक हम इसी में रहेंगे और बैग कर दो इधर ले आओ। और इसीलिए हमने आपको ये कहा दिखा दिया कि क्या मायने हैं और गुजरात को समझने की क्या जरूरत है। क्योंकि मैं मेरा सेंटीमेंट इसलिए है कि हमने देखा है 2007 में जब नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाए लुटियन दलाल लुटियन गैंग के लोग, तो उन्होंने देश में छवि बनाई कि गुजराती दंगाई होते हैं। हमने देखा गौरव जी आपका तो ड्राइवर सलमान है। हाँ मेरा ड्राइवर सलमान है, हमारी बहुत गहरी दोस्ती है उनके साथ। हम तो कोई हमारे वहाँ कोई हिंदू या कोई ये नहीं रहता, हम तो बहुत अच्छे रहते साथ में। आपने भी देखा होगा मुझे स्टेशन पर लेने तो सलमान ही आया हुआ था, मेरे उससे बात की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही आपको इम्प्रेशन दे दिया हम कितने अच्छे लोग हैं। हमारे वहाँ वो वैमनस्य है ही नहीं, वो हम सब प्रेम भाव से रहते हैं सर। गौरव जी हमारे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत पुराने मतलब बहुत पुराने, और ऐसे व्यूअर्स हैं जिनसे हमारी बातचीत भी रेगुलर होती है। और मैंने जैसे कहा कि कई बार इन्होंने ये एक तरह से अपने थर्ड सेंस से बताया कि यदि कहीं संपादक होते तो ज्यादा बेहतर काम करते। तो मगर हम अब गुजरात में आए हैं, गुजरात की जमीनी हकीकत आपको बताएंगे, कई जगह हम चौपाल लगाने की कोशिश करेंगे ताकि हम गुजरात की जमीनी हकीकत आप तक पहुंचा सकें। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।